हेलो, सृष्टि का मेजर एक्सीडेंट हो गया। क्या सृष्टि और सार्थक दोनों सही सलामत घर वापस आएंगे? सार्थक सृष्टि के साथ था। डॉक्टर, सृष्टि और सार्थक कैसे हैं? दोनों की मेजर सर्जरी हुई है, अगले 72 घंटे उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। सार्थक वो तो ठीक है ना? उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है, अगर 12 घंटे तक होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकता है। अब बेटा बस जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। हमारे भाई की तबीयत कैसी है, कब तक होश आएगा उसे? उनकी हालत बहुत गंभीर है, अभी कुछ कह नहीं सकते कब तक होश आएगा। सृष्टि को तो होश आ गया, हमारे भाई कब आग खोलेगा? आ गई तुम? ये सब जो हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। सॉरी, मेरे वजह से कैसे हो रहा है? अगर हमारी बात मानकर तुम सार्थक से शादी कर ली होती ना, तो आज सार्थक सृष्टि के साथ नहीं होता और यहाँ पड़ा भी नहीं होता, समझी? सार्थक कैसा है अभी? हालत बहुत ही नाजुक है उसकी, अभी तक होश भी नहीं आया। लेकिन होश में आ भी जाएगा ना, तभी तुमसे नहीं मिलने देंगे हम। What? क्या बात बात कर रही हो? जब तक सार्थक से शादी करने का फैसला नहीं लेती ना, तब तक उसका मुंह भी नहीं देखने देंगे। जाओ यहाँ से। अब ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती नहीं है, जरूरी है। अब यहाँ से फुट लो और ये सोचो सार्थक से कैसे शादी करनी है, कब शादी करनी है और उसको सृष्टि से कैसे छीनना है, समझी? और तुमसे बात करना ही बेकार है, मैं डॉक्टर से मिलके आती हूँ। बात करना बेकार है। सार्थक के रिलेटिव्स हैं यहाँ पे? वो आंटी की तबीयत खराब हो रही थी तो वो लोग घर गए हैं। बताइए। सार्थक को होश आ गया। अच्छा, क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? जी आइए। आइए मिल लीजिए सर। कैसे हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हें होश आ गया है ना, बहुत जल्दी तुम अच्छे हो जाओगे। थैंक यू। सार्थक, मैं अंगद, तुम्हारा दोस्त। और सृष्टि का? सृष्टि कहाँ है? सृष्टि सृष्टि नहीं आई। सृष्टि हम यहाँ कैसे पहुंचे?
सार्थक रिलैक्स। सृष्टि वो कहाँ कहाँ है? सृष्टि 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 डॉक्टर सृष्टि डॉक्टर डॉक्टर बस इंजेक्शन ले लीजिए क्विक। आप शांत हो जाइए शांत हो जाइए। इन पर नजर रखना डॉक्टर। बात क्या है डॉक्टर? सार्थक ने मुझे पहचाना नहीं। देखिए जिस चीज का डर था वही हुआ। सार्थक को होश तो आ गया लेकिन सर पर गहरी चोट लगने की वजह से शायद उसकी मेमोरी पर असर हुआ है। सृष्टि अब कैसा फील हो रहा है? कुछ कहना है? हमारा सामान। आपका सामान? जो भी सामान साइट से मिला था वो हमने गौतम जी को दे दिया है। सृष्टि इस वक्त किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। तुम बस आराम करो, यही सबसे जरूरी है। बड़ी मुश्किल से वो हार्ड डिस्क मिली थी जो अब गौतम सर के हाथ लग गई। उसके सिवा गौतम सर के खिलाफ और कोई सबूत है ही नहीं हमारे पास। और बिना सबूत के अंगद इतनी आसानी से हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। अब तो सही समय आने पर ही उन्हें कुछ बताना ठीक होगा। सार्थक जी उन्हें कल रात में होश आ गया था, अभी वो सो रहे हैं। थैंक गॉड सार्थक ठीक है। प्लीज आप उठिए नहीं, आप अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। आपको आराम की बहुत सख्त जरूरत है। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
सार्थक की याददाश्त पर कितना असर हुआ होगा। वो हम सबको पहचानेगा या नहीं? पापा जी ऑफ कोर्स पहचानेगा, आप लोग उसके पेरेंट्स हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। ये देवी भैया, हमारे बिटवा को ठीक करके घर भेज दीजिए। हम बारह देवी के मंदिर में पूरा 11 किलो का प्रसाद चढ़ाएंगे। बस हमारा बच्चा ठीक कर दो। ऊपर वाले काहे ऐसा मुंह मोड़ लिए हो? हमारे इतना रायता फैलाने के बावजूद भी सृष्टि अंगद से ब्याह करके भागे जा रही है, और इधर आप हमारे भाई की याददाश्त ले लिए, अब हमरा का होगा? डॉक्टर साहब, आप तो भगवान का रूप है, अब एक कुछ चमत्कार कीजिए, हमारा बच्चा ठीक हो जाए। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम सब करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। सही, कल रात को हमें ये तो पता चल गया कि सार्थक की याददाश्त पर असर हुआ है। पर कितना असर हुआ है वो अब पता चलेगा। मिस्टर जायसवाल, प्लीज आप बाहर वेट कीजिए, वरना हो सकता है सार्थक आपको देख के फैमिली मेंबर्स को ना पहचाने। बेटा तुम घर जाकर आराम कर लो, रात भर यहीं थे, थक गए होगे। और फिर सृष्टि से भी तुमने कहा था ना कि तुम घर जाओगे। सार्थक, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। सार्थक, हाँ बेटा, पापा हम यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पहुंचे? क्या हुआ था मम्मी, कोई बताएगा हमें? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें बहुत चोट आई थी, इसलिए तुम यहाँ। एक्सीडेंट? अच्छा ये बताओ, एक्सीडेंट से पहले क्या हुआ था? कुछ अंदाजा है ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? कुछ याद है? हाँ हाँ कोशिश करो।
इतना याद है कि हमारी चार दिन पहले शादी हुई थी और शॉपिंग करने के लिए ना सृष्टि के साथ बाइक पर जा रहे थे। सृष्टि नहीं हमसे मिलने। कुछ याद आ रहा है डॉक्टर साहब? हमें कुछ याद नहीं है। भगवान जाने इसे का याद है का नहीं। हाँ हमें इतना इतना याद है कि हमारी चार दिन पहले शादी हुई थी। हम बहुत खुश थे और शॉपिंग करने के लिए ना सृष्टि के साथ बाइक पर जा रहे थे। क्या हुआ मैं हमें याद नहीं आ रहा। जब आँख खुली तो हमने खुद को यहाँ हॉस्पिटल में पाया। सृष्टि नहीं है हमसे मिलने। मम्मी सृष्टि कहाँ है? हाँ दीदी कहाँ है सृष्टि बताइए ना। आप लोग बता क्यों नहीं रहे हमें? बताइए ना। देखो तुम्हारे साथ सृष्टि का भी एक्सीडेंट हुआ है। वो दूसरे कमरे में है। सृष्टि का एक्सीडेंट? सृष्टि ठीक है, तुम्हारी तरह उसे भी आराम की जरूरत है। तुम्हें मिलना है सृष्टि से। बाद में मिल लेना तुम। हमें सृष्टि के पास लेकर चले। नहीं सार्थक, अभी हम तुम्हें परमिशन नहीं दे सकते। तुम बाद में मिल लेना, तुम्हें भी आराम की बहुत जरूरत है। नहीं हमें हमें आराम नहीं आराम नहीं करना। हमें तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है सृष्टि के। ठीक है ना? सार्थक की शादी कब हुई थी? यही कोई 1.5 साल पहले। क्यों? सार्थक को शायद पार्शियल डेमेंशिया हो गया है। मतलब का होता ही। सार्थक को अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से अब याद नहीं है। सृष्टि सत्येंद्र जी आप लोग प्लीज बाहर चलिए, सार्थक को आराम की जरूरत है। जी डॉक्टर। चिंता ना करो बेटा,
सोच भी बिल्कुल ठीक है। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है बेटा, आराम करो, हम बाद में तुम्हें उससे मिलवा देंगे। सृष्टि का ख्याल रख। हाँ हाँ बेटा। चलिए सत्येंद्र जी, सार्थक की शादी कब हुई थी? यही कोई 1.5 साल पहले। क्यों? सार्थक को शायद पार्शल डेमेंशिया हो गया है। मतलब क्या होता है? सार्थक को अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से अब याद नहीं है। आखिरी चीज जो उसे याद है वो है उसकी शादी के बाद उसका और सृष्टि का बाहर जाना। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? देखिए, एक्सीडेंट में जो उनके दिमाग में चोट लगी है उसके सदमे की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसे केसेस में कभी कभी पेशेंट अपनी पूरी याददाश्त खो देता है, लेकिन सार्थक सिर्फ कुछ हिस्से को भूला है, इसलिए वो आप लोगों को पहचान रहा है पर अंगद को नहीं। का मतलब पिछले 1-1.5 साल में जो कुछ भी सार्थक के साथ हुआ उसका उसको कछु भी याद नहीं आएगा? आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इस वक्त उसे याद दिलाना बहुत ही रिस्की है। अगर उसे जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की गई तो हो सकता है वो अपनी पूरी याददाश्त खो दे या फिर कोमा में भी जा सकता है। इसलिए आप लोगों को अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करनी होगी जहां तक उसे याद है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर जरा सा भी सदमा उसे पहुंचा तो वो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। Excuse me. लियो, लग गई लंका। सारी मेहनत पर कूड़ा फेंक कर माचिस मारा है ऊपर वाले ने, ताकि एक ही बार में धुआं धुआं हो जाए सब। अरे अंगद, अरे तू वहां पे क्या कर रहा है? अंगद, माँ नीचे आइए। अंगद आया है माँ।